Patrick Shaw Mohoda. तुमने अगर चर्चिल अब मेरे बाहर करा दूंगा बहुत प्राक्तन मुख्यमंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री एवं अन्य नेतृत्व के उत्तर एवं हमारे विभिन्न सामग्री प्रदान हमारे देश सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी के हमारे दल तरफ थे नेतृत्व माला दिए ताके स्वागत जाना भारत माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी मोदी जी की राज है यहां सेवा होती है डोर डिलीवरी होती है कोई दिक्कत की बात नहीं और आपको वैसे भी आप बेरोजगार हो गए मन भी आपका ठीक नहीं लगता होगा दवाई की जरूरत तो पड़ती होगी मैं तो दवा भी देता हूं आपको और दुआ भी देता हूं आप रहिए जहां है वहां खुश रहिए आप आराम कीजिए और ये काम करें क्यों इसलिए नहीं कि इन्होंने कुर्सी पर बैठना है इसलिए कि इन्होंने कुर्सी के माध्यम से त्रिपुरा की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलनी है सेवा के भाव से काम करना है बताइए आप साथ देंगे ना साथ देंगे ना साथ देंगे ना साथ देंगे ना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 बहुत बहुत धन्यवाद और मध्य शासन
लौंका मुरा उस गांव में मैं जाने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में बैठ करके वहां जलपान करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको जानने की कोशिश करूंगा। कभी सोचा था कि बॉर्डर के जिले में यह होगा? कभी सोचा था कि उनकी तस्वीर बदलेगी? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आया करता था और कहता था, नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था, क्या है खुशखबरी? बोला, दो पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको मैं किसको दूं? तो मैं कहता था, यार मेरे यहां एक अनार 100 बीमार, तू ही रख ले इसको, जिसको देना तू दे दे, हमको नहीं दे। आज मोदी जी के नेतृत्व में 3,60,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन करके तैयार हो गए। मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो मेरे यहां 95% गांव बगैर सड़क के थे, 95%। और जब मैं बोलता था तो मेरा एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता था, सर आपको 50,00,000 रुपए आए हैं, 100 सड़कें हैं आपकी, कहां कहां डालूं? मैंने कहा, जहां मर्जी वहां डाल दे, बनना कुछ नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नीतियों का अंतर देखो, नीतियों का अंतर देखो। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई, एक एक सड़क पर 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ पैसे आए और 5 साल के अंदर 85% मेरी कंस्टिट्यूएंसी का सारी सड़कें ऑल वेदर रोड से बनकर के तैयार हो गई। ये नेतृत्व होता है। फिर 10 साल यूपीए की सरकार आई, फिर काम ठप, वही कमीशन, वही टोलाबाजी, वही समस्या, ये सब खड़ी हो गई। फिर से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, आज लाखों गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। और मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में भी 4,700 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांव को जोड़ा जा रहा है, ये परिवर्तन आया है। उसी तरीके से स्कॉलरशिप हमारी डबल हो गई। एमएसपी के प्रोडक्ट्स यहां त्रिपुरा में, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ ट्राइबल भाइयों के लिए, 8-10% किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर चौथे महीने में 2,000। और एक समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में रह जाते हैं। और आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, एक बटन को क्लिक करते हैं, 15 सेकंड के अंदर 11,74,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाता है। यह हो जाता है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए और भारत के बदलती तस्वीर को देखा जाए तो हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। मैं यहां ये भी कहूंगा, मुझे कहा गया मानिक जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हीरा हमारी योजना है, इसलिए मानिक की मुलाकात हीरा से हो रही है। हीरा क्या है? हीरा है H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज एंड A फॉर एयरवेज। ये हमारी कनेक्टिविटी का रास्ता है, ये हमारे विकास का रास्ता है। और इसीलिए हम विकास की दृष्टि से आज बताइए, अगरतला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें काम चला है कि नहीं चला है? आप बताइए, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए, नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एक समय में आपके पास एक नेशनल हाईवे था, आज आपके पास 7 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, 7 नेशनल हाईवे पर काम। आप बताइए, अब राजधानी एक्सप्रेस सीधे यहां से गुवाहाटी होते हुए दिल्ली जाती है कि नहीं? आप बताइए, जनशताब्दी चली कि नहीं चली? आप बताइए, रेल कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी? आप बताइए कि हर दृष्टि से विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, लंबे समय से ब्रू रियांग का मामला लटका हुआ था कि नहीं लटका हुआ था? आप बताइए, हमारे सभी भाइयों को पीसफुली सेटल किया गया कि नहीं किया गया? ब्रू रियांग का समझौता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए विकास की नई कहानी आज त्रिपुरा लिख रहा है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं यहां यह भी कहूंगा, देखो अभी कुछ देर बाद यहां अंधेरा हो जाएगा, अगर अंधेरे को ध्यान में रखकर उजाले का महत्व तो नहीं समझोगे तो राजनीति में हमेशा नुकसान में रहोगे। आप
आपको अगर बीजेपी को याद करना है तो बीजेपी के साथ साथ सीपीएम की सरकार के भी दिन भी याद रखो, वो याद रखो। सीपीएम की सरकार मतलब बलात्कार, सीपीएम की सरकार मतलब बंद, सीपीएम की सरकार मतलब हड़ताल, सीपीएम की सरकार मतलब नारेबाजी, सीपीएम की सरकार यानी इम्प्लॉय के द्वारा इम्प्लॉय से लेवी लेना। हमारे आदिवासी भाई ने काम किया, उनके लिए म्यूजियम बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, अगर मैं गांव की बात करूं, गरीब की बात करूं, आज भारत में अति गरीबी आईएमएफ के अनुसार 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई है। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देने का काम किया है, इसलिए हमारी गरीबी नीचे आ गई है। अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं, 11,80,00,000 लोगों के स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बना है। आप लोग तो शहर में रहते हैं, मैं तो गांव से आया हूं, मेरे को मालूम है कि एक समय में गांव में हमारी बहनें सूर्योदय से पहले अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाती थी और सूर्यास्त का इंतजार करती थी ताकि वो अपना दैनिक नित्यक्रम जा सके, और झुंड के झुंड एक साथ महिलाएं जाती थी। आज 11,80,00,000 बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से 11,78,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके दिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को मुफ्त में, अब 100 देशों को टीका पहुंचाया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब देने वाला हो गया है, दुनिया को देने वाला हो गया है, ये भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से विकास कर रहे हैं। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे आदिवासी भाई, हमारे युवा साथी, हमारा किसान भाई, हमारी महिलाएं, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है और नीतियों ने किया है। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, स्वच्छता अभियान, शौचालय, ये सारी चीजों ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर के खड़ा किया है, महिला शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना। आज मैं जाने वाला हूं एक बॉर्डर के स्थान पर, उस गांव का नाम मैं भूल गया, लंकामुरा, उस गांव में मैं जाने वाला हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में बैठकर। और इंटरनेट के जमाने की बात अगर मैं करूं तो 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 340 किलोमीटर बिछा था, आज भारत में 2,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिक गया है और गांव-गांव में, पंचायत-पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। एक नया आयाम, एक नई सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए नए कीर्तिमान कर रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत 2014 में 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करता था, बाहर से लाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह है मोदी जी का बदलता भारत, जिसको हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं स्टील की तो इस्पात में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, तो भारत अब तीसरे नंबर पर खड़ा है, हमसे आगे सिर्फ 2 देश रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम जापान को भी पछाड़ कर भारत अपनी ऑटोमोबाइल में भी सबसे आगे खड़ा हो गया है, यह भी हमको समझना होगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि दवाई के दृष्टि से सबसे सस्ती
और सबसे अच्छी दवा बनाने की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया में प्रगतिशील देशों को सस्ती दवा देने में भारत आगे बढ़ा है और उसके साथ साथ 138% हमारा बाहर का व्यापार बढ़ गया है। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो हमारा 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं, ये इसलिए मैं डिफेंस की बात करता हूं कि कांग्रेस के रजीम में, यूपीए की सरकार में, पनडुब्बी में भी भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भी भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भी भ्रष्टाचार, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी भ्रष्टाचार, लेकिन आज भारत दुनिया में डिफेंस के एक्सपोर्ट में 364% आगे बढ़ गया है। अब हम देने वाले भारत हो गए, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए आपसे मैं कोविड की चर्चा जरूर करूंगा। आपके सामने टेलीविजन पर आजकल चाइना की तस्वीरें आ रही थी और मैं यहां भी देख रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है।